Good morning, Sunanda. Good morning, Jalu. Why are we here today? But before that, aren't we forgetting something? I don't think so. We are forgetting our faculty members and friends. Oh, yes. A very good morning to all faculty members and my dear friends. So, friends, do you know why are we here today? We are here to meet few of our rural entrepreneurs. But before that, what is the meaning of rural entrepreneurs? Rural entrepreneurs are the ones who ensure value addition in the rural resources. It is often said that need is the mother of all invention. Nowhere is this truer than in rural India, where men and women every day devise new methods, means and strategies to add to their income so that they can ease their daily lives. Rural entrepreneurs are creative risk takers. They can cope up well with the uncertainty. It is said that rural entrepreneurs should consider rural society not as a market, but as their very own large family. So, this was all about the rural entrepreneurs. So let us have a look on the different entrepreneurs like fisherman, mechanic and farmer respectively. Name, Mr. and Mrs. Gonsalves. Profession, farmer. Role played by Abhijit Fulsrestha and Sunanda Chauhan. Location, Nirmal. In Nalasopara. अभी हम लोग एक फार्मर का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जो नालासोपारा के अंदर सोपारा गांव में सिचुएटेड है. आइए ज्यादा जानकारी के लिए हम उनसे बात करते हैं. भाई साहब हाँ, कल मैं आया था ना, आपको बोला था कि इंटरव्यू हम लोग को कॉलेज की तरफ से प्रोजेक्ट मिला करके. हाँ, बोलो. तो उसके लिए आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए. हाँ, एक मिनट, दो मिनट, एक काम कर लूँ खत्म. हाँ, बोलो. एक मिनट. तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे आपको बताया कि हम लोग एक कॉलेज की तरफ से छोटा सा, बैठ जाइए कॉलेज की तरफ से छोटा सा एक फार्मर के ऊपर नाटक बनाना है. हाँ, तो उसके लिए आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए. आप खेती बाड़ी में कब से काम कर रहे हैं? खेती बाड़ी में काम करने, मतलब हमारी तो खेती बाप दादा के ज़माने से ही है. तो पहले पिताजी काम किया करते थे, तो जब मैं लगभग 6 साल का जब मैं हुआ, तब से मैं उनके साथ खेती पे आया करता था. फिर मैं उनके साथ काम करने लगा, फिर उनके साथ ही करते करते मैं सीख सका. आपको खेती बाड़ी में इंटरेस्ट है या कोई और काम में भी आपको इच्छा थी? इच्छा तो वैसे अलग ही बात है, पर मतलब पहले से मतलब बाप दादा की थी, खेती थी और पहले हमारा दूध का कारोबार भी था. तो हम लोग पहले हमारा तो दूध पे हमारा वहाँ ज़्यादा था. बॉम्बे सेंटर में हमारे दूध का मतलब धंधा किया करते थे, कारोबार का दूध का, दूध बेचा करते थे. मतलब फिर वो किसी कारण वो क्रॉप कुछ उसमें तकलीफ हो गई, तो उसके लिए हमको बंद करना पड़ा. फिर हम लोगों ने खेती बाड़ी पर ध्यान दिया. आपको कभी ऐसा इच्छा हुई कि जब से आप खेती बाड़ी में हो, संभाल रहे हो खेती बाड़ी, तो सर आपको ऐसा लगा कि वापस दूध का धंधा चालू करना चाहिए? नहीं, फिर एक बार हम लोग बस गए खेती बाड़ी में, बसते ही फिर हमने कभी सोचा नहीं फिर कहीं और. आप दोनों ही खेती बाड़ी में काम करते हो कि और कोई है? हम दोनों ही, हमें दीदी है. तो आपकी जमीन कितनी है? जमीन अब तो हमारी करीब एक एकड़ में कुछ 10, एक गुटा कम होगी, एक गुटा कम होगी. मतलब पूरी जमीन में आप और मतलब आप ही अंडर में? हाँ. खेतों में कौन सी फसल उगाते हो? फसल तो ज़्यादातर तो हम सब्जियाँ ही उगाते हैं, मतलब जैसे बैंगन उगा दिया, मतलब पालक हो गया और मेथी हो गया, क्या चौली और धनिया उगाते हैं, और दाल में चावल बारिश के. बारिश के मतलब इन अलावा बारिश में आप चावल उगाते हैं. अब इसके खाद और कहाँ से लाते हो? खाद हम लोग निर्मल से लाते हैं. निर्मल में एक है जो एक आदमी है जो मतलब देता है, हमें बेचता है, जिसका गोदाम तरह है जो खाद देता है, वहाँ से लाते हैं. तो वो सरकार की तरफ से दुकान है या इतना तो हमको है. अब जैसे खाद में अभी कभी कीटाणु लग जाते, तो उसके लिए आप कोई दवाई यूज करते हो? हाँ, करते ना. हर सब्जी के लिए अलग अलग दवाई होती है. तो दवाई लगभग 350 या 300 रुपए तक आती है एक दवाई. मतलब हर सब्जी के लिए अलग दवाई, अलग पालक के लिए अलग होगी, मेथी के लिए अलग होगी, हर चीज के लिए अलग. और जैसे पानी का कभी प्रॉब्लम है आपको यहाँ पे? पानी की तकलीफ तो ऐसे कुछ नहीं. पहले हमारे अभी यहाँ पे हमारा कुआं है, पहले हम वहाँ से पानी निकाला करते थे. पहले हमको निकालना पड़ता था पानी जाकर खींच के, अब मशीनें लग गई है तो उससे हमें थोड़ा आराम हो गया.
पाइपें लग गई खेती में, देखी होगी पाइपें लग गई तो उससे जो पानी आता है, अब हमें इतनी तकलीफ नहीं है पानी। तो मतलब आपको मशीन का खर्चा कितना होगा? मशीन का खर्चा तो लगभग 18,000 की मशीन है। उस समय अठारह हजार। जो आपने जो कुआ जहाँ से लाते हैं पानी, तो कुआ पहले से है कि नहीं? कुआ हमने खुदवाया था, और जब हम लोगों ने खुदवाया था वो 36,000 का हमें लगा था उस समय 36,000 का खर्चा था। तो आप कभी मजदूर, कभी ज्यादा काम आ गया तो मजदूर लगा दो खेतों में? मजदूर तो लगते हैं हमारे खेती में, 4 मजदूर है, एक मजदूर को हम दिन का 80 रुपए के हिसाब से। एक मजदूर को कभी कभी सब कभी कभी आपको लॉस हो जाता है, मतलब आपको कभी कभी धंधे में नुकसान हो जाता है, तो उस वक्त आप मजदूर को पैसे कैसे देते हैं? अब मजदूर को पैसे देने की बात है तो मतलब अब हम लोग देखते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है, मतलब हमें 4 की जगह 2 ही लग जाते हैं, कई बार होता है मतलब कि इतनी हो जाती फसल की हमें 4 की जगह 6 भी लग जाते हैं, तो उस हिसाब से हम करते हैं। अभी नहीं होता है तो मतलब तो इतनी समझदारी होती है कि हम एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, भाई संभाल लो आगे दे देंगे ऐसे। अब खेतों में जितना भी होगा तो सब बेच देते हो कि नहीं? थोड़ा घर के लिए भी रखते हैं। बेचने के लिए आप खुद जाते हो? खुद ही आप खुद बेचते? सुबह खुद जाना पड़ता है। इसमें आपको सरकार की तरफ से कोई मदद? कोई नहीं, सरकार मदद करती है क्या? नहीं, ऐसा बहुत टीवी पे दिखा थे कि किसानों के लिए सरकार बहुत सारी फंड्स निकाल रहे हैं, ऐसा कोई है? पर दिखाते होंगे, पर हमें तो कोई मदद नहीं मिली आज तक। आपको कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं इस बारे में। आपको कभी मतलब नुकसान हो जाता है? ज्यादा बारिश हो जाती तो फसलें ये चली जाती है, नुकसान में चली जाती है, तो उस वक्त आप कैसे करते हैं? कुछ कर तो नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा हम बस पंचायत में शिकायत कर देते कि भैया ये हो गया है, आप थोड़ा दया भाव दिखा दें, तब भी वहाँ से कुछ आता नहीं, बस बातों के सिवा कुछ नहीं आता। मतलब पंचायत वाले कहते हैं कि पैसे मिलेंगे पर अब तक मिले नहीं। मतलब पंचायत वाले आपको पैसे नहीं देते? नहीं, मतलब सरकार की तरफ से आ जाते लेकिन आपको नहीं मिलते? यही होता होगा, डालते रहते कि लोग मिलेंगे आएंगे। तो इसलिए आपने कभी कुछ किससे शिकायत की? बड़े गरीब लोग हैं भाई, वहाँ पर खेती बाड़ी पे ध्यान देते, इसकी शिकायत पे ध्यान देंगे। कभी आपने सोचा तो रहेगा ना कि अगर सोचा है, वही कह रहे ना, ज्यादा से ज्यादा हम पंचायत में शिकायत कर सकते, इससे ज्यादा नहीं, बस उससे ज्यादा आप कहीं नहीं जा सकते। आपको जैसे टीवी में दिखा दे कि जो खेती करते हैं उनके लिए बैंक बनाई गई है, तो आपको कुछ किस तरह की? जैसे नाबार्ड है जो एग्रीकल्चर के लिए फंड पैसे देते हैं करके, आप नई नई जानकारी ला रहे हैं हमारे, आपको इस कारण कोई जानकारी? कोई भी नहीं है, तो हम पहली बार सुन रहे हैं। जैसे आप मतलब पंचायत वाले इसकी जानकारी देते हैं आपको कोई कि आपको पैसे आते हैं? बोल रहे हैं पहली बार सुन रहे, तो पहली बार सुन रहे। हाँ ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। भाई साहब एक आखिरी सवाल, अगर आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिले तो आप आगे क्या करना चाहेंगे? सरकार की तरफ से पहले मदद मिले तो कर्ज उतार दिया हमारा, और आगे के बाद अगर मतलब सोचिए, अगर मिली हमें मदद, पैसों की मदद मिलती अगर, तो हम तो सबसे पहले सोच रहे हैं मशीनें लगा दें, तो जिससे हमें मशीनें अगर कम दाम में मिले तो और ही बढ़िया। जो सरकार नई तकनीक देती है उसे आप यूज करना चाहिए? हाँ, उसे इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। नेम मिस्टर बंटी, मैकेनिक बाय प्रोफेशन, रोल प्लेड बाय नीरज चौहान, लोकेशन आगाशी विरार। दो मिनट।
काम में तू देख कर मैं जाकर अरे बस आया जो भी अरे तेरे में विश्वास है तू देख कर रख अरे देख कर मैं आता ठीक है अच्छा ठीक है कस्टमर भी बहुत विश्वास रखते हैं करेंगे क्यों नहीं इतने साल से जो काम कर रहा हूँ अभी देखना तो पड़ता ही है ऐसे थोड़ी ना इतना काम कमाया 10 साल हो गए काम करते करते अभी कस्टमर इतना तो भरोसा रखेगा इसीलिए तो बोल के गया देख ले भाई तेरे पे भरोसा है ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है मगर देखना तो पड़ेगा ही गेयर में है भाई अभी कब आएगा पता नहीं मगा था बहुत क्लच प्लेट खराब करके रखा हुआ उसको पहले भी बताया था क्लच इतना मत दे रेस वेस ज़्यादा देता रहता है तकलीफ खुद करते हैं चलो कोई बात नहीं अभी 3-4 गाड़ी है ये भूल के गया थोड़ी देर में आऊँगा तो करना तो पड़ेगा मैं इतने सारे काम होते सबको निभाए तो भी कैसे करेगा एक तो एक क्लच प्लेट का प्रॉब्लम करके रखा हुआ है एन मोमेंट में सब आ जाते हैं तो और काम बढ़ जाता है घर पर जाने के लिए भी लेट इनके काम के वजह से क्या करें घर चलता ही इनसे अभी धंधे को तो ना नहीं बोल सकते रोटी है भाई ये नहीं हो तो हमारा गुजारा कैसे चले देखा बस झटके झटके में दुनिया चलती है अभी तो तकलीफ तो ठीक हो गई अब ठीक है गिरा है आपको भी क्या बोलूं इतना रेस्ट चलाते इंजन पे इफेक्ट पड़ता है ऑयल पे सबसे ज़्यादा गाड़ी भी तो यही आती है इनको समझ में सिर्फ गाड़ी चलाना आता बाकी का काम देखना पड़ेगा क्या बताओ आपको मैकेनिक लाइफ कैसी होती है अभी क्या है कि हम लोग को सुबह सुबह निकलना पड़ता है निकलते अभी काम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना हमको कितना गाड़ी आएगा कितना काम रहता है निकलते तो ये सोच के 5 बजे तक वापस आ जाएगी अगर गाड़ी आ जाता है काम आ जाता है अर्जेंट काम रहता है तो करना ही पड़ता है 8-9-10 बज जाते हैं घर पर जाते जाते वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है सोच के तो निकलते जल्दी काम करेंगे जल्दी घर पर जाएंगे पर्सनल लाइफ भी होती है अभी क्या करें तो उसमें थोड़ा अवसर बढ़ता है थोड़ा बहुत अभी जैसे हमारे साथ में ये हमारे दोस्त हैं ये हमारे साथ में काम करते हैं ये मेरी काफ़ी मदद कर रहे हैं गाड़ी का धोने का काम हो गया दूसरे काम हो गए इनमें ये काफ़ी मदद करते हैं अभी जैसे हम लोग को देखना पड़ता है अलग अलग गाड़ी का अलग अलग जल्दी जल्दी मांगते हैं तो अपने को देख के बोलना पड़ता है ना अभी देखो आपको गाड़ी के बारे में क्या बोलेंगे देखो इंजन का ना सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है
ज्यादा है ना ओवर हीट करेंगे तो गड़बड़ है ना। ये मेन चीज रहता है, इसके अंदर से आपको पानी लेवल चेक करने का रहता है। बैटरी संभल के पानी मारना मांगता है, कहीं पे कुछ हो गया तो है ना सीट गाली मारेगा। अलग अलग टाइप के है ना लोग आते हैं, कोई अच्छे से बात करता है कोई नहीं करता है, मगर ज़्यादातर अच्छे से ही आते क्योंकि आप हम लोगों ने नाम ही ऐसा बना रखा है इस करके, तो कस्टमर आते हैं बारी बारी। अभी आपको क्या बोले, हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कमा पाते, कमाते तो शायद बड़ी कंपनी में कहीं पर काम कर रहे थे, मगर जो कमाते हैं उससे गुजारा हो जाता है, घर चल जाते हैं। अभी समझो कि इस महीने हम लोगों ने है ना कुछ एक दिन में अगर हम लोगों ने है ना 800 रुपया कमाए, तो 800 में से दो बंदे, दो हम लोग है, एक मैं है और ये मेरे साथ में अभी मैं दिखाया था वो है, हम लोग दोनों ही काम करते हैं, तो हम लोग 400-400 रुपया बांट लेते हैं। वैसे ही अगर हम लोग महीने का अगर सोचो के है ना 15,000 कमा रहे, 7,500 हम लोग बांट लेते, बराबर बराबर करते। अभी क्या है कि काम के ऊपर सबसे ज़्यादा रहता है, आज अगर काम नहीं रहा तो आराम से घर पे चले जाएंगे, नहीं अगर आ जाता है तो घर पे जाने का सोचना पड़ता है यार कितना बड़ा है या ना कितने बजे ख़त्म कर। कोई कोई अलग से आके बोलता है कि मेरे को अभी का अभी चाहिए, अभी अभी काम ख़त्म करके चाहिए, उसके लिए लगना ही पड़ता है। कभी कभार हाथ चढ़ जाता है, जैसा थोड़ी देर पहले मेरे को जोर से करंट मारा, वो कभी कभार है ना प्रॉब्लम बारिश के टाइम पर सबसे ज़्यादा रहता है। बारिश के टाइम पर साइलेंसर में पानी चला जाएगा, आदमी आएगा बोलेगा गाड़ी ठीक करके दो, मेरे को तुरंत चाहिए कल काम पर जाने का है। कोई बोलेगा मेरे को अपने है ना बीवी के साथ में घूमने जाने का, गाड़ी जल्दी करके दे, तो वो देख देख के हमने को अपने को तो काम करने का रहता है। कोई अपने को ये नहीं पूछते कि भाई तुम्हारे घर में तुमको घर है ना जल्दी जाने का नहीं है। अब जो है सो है, चल रहा है हमारा। सैलरी का हम लोग का क्या है, सैलरी आपको पता है जैसा हम दो जन काम करते हैं तो हम लोग है ना आधा आधा बांट लेते। अभी क्या बोलूँ, इतना सब है ना काम के ऊपर निर्भर ही कर रहे हैं। मन तोड़ देगा तू, खराब कर देगा, आने मत ना। काम इतना रहता है, एक टाइम था जब मैं हमने बिजनेस चालू किया था ये, तब क्या था कि बहुत कम पैसे थे मेरे पास, 10,000 है ना पिताजी ने दिए थे 10 साल पहले, तो उससे थोड़ा बहुत छोटा मोटा है ना करके चालू किया। कस्टमर जल्दी से आते नहीं थे अभी, तो उसके बाद में मैंने सोचा कि फिलहाल चालू कर दिया, शाम के वक्त में मैं संभालूंगा, सुबह के टाइम में थोड़ा कहीं पर जाके सीखता हूँ और करता हूँ। अभी सुबह से लेके समझो कि 7 बजे से लेके शाम के 4 या 5 बजे तक मैं उधर काम करता था, 5 बजे से 5:30 बजे से लेके 8 बजे तक अपना अपना खुद का देखता था। तो अभी तो इतना नहीं था, अभी देखो जो इतना सब आ गया है वो सब एक कमाई कर करके ही आ गए। इतना हम लोग मेहनत करते रहते सुबह से 7 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक, हमारे यही काम चल रहे थे, आते हैं काम करते हैं। अभी हमारे पास जितना भी है ना सप्लाई जो आता है मटेरियल, जो हम लोग बोलते हैं ना तेल वेल डालते, ग्रीस व्रीस लगाते और जो अलग से कुछ ख़राब हो जाता है रिपेयर करते, वो सब के पैसे हम लोग को ये सब ठीक ठाक करके ही आता है। जो मिलता है आधा हम लोग है ना, जैसे कि आप लोग बोलते होंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में के थोड़ा बचाते हैं, हम लोग भी बचत करते हैं थोड़ा आगे चल के कभी काम आए करके। अभी हम लोग को जो मार्जिन ज़्यादातर मिलता है वो बड़ी गाड़ी में मिलता है, धोने का काम है। आप छोटा गाड़ी लो बड़ा गाड़ी लो क्या देगा, मिलेगा धोने का ही है, थोड़ा मार दिया थोड़ा ना अच्छे से चमक आ जाना चाहिए, बंदा खुश हो जाता है। हम लोग इधर से मैं सबसे ज़्यादा कमाते गाड़ी धो दिया, मार्जिन आ गया, मार्जिन में हम लोग जितना मिलता है उतना परवड़ जाता है, उतना बाजू में रख देते हैं, उससे थोड़ा काम हम खरीदने लगे। अभी उसमें कभी कभार क्या होता है, कोई कोई अभी जैसे देखो रिसेशन का टाइम आ गया, महंगाई बढ़ गई, हम लोग खरीदने जाते भाव डबल हो जाते हैं, हम लोग सारा 10 बोतल खरीदने जाते हैं, वहाँ पे 5 बोतल खरीदना पड़ता है। अब क्या करें, मजबूरी हम लोग को भी करना पड़ता है, उसके हिसाब से हम लोग को भाव बढ़ाना पड़ता है। अभी क्या देखो, आप जरा संभालो जरा, वो क्या है कि सब देख के करना पड़ता है। अभी आप जैसे कितने जन आते हैं देखो, आप तो फिर भी है ना हमसे पूछने को आए, यहाँ पे जो काम करवाने को आते हैं उनको तो देखना पड़ता है, अगर उनको बोलेंगे थोड़ा दूर खड़े रहो तो उनको लगता है हाँ भाई हमको देख के बोल रहे हैं ताकि हम लोग खराब ना हो। अभी ना इतना सब हो गया है, बिजली का कभी कभार थोड़ा तकलीफ रहता है, कभी गाड़ी धोने का है तो हम लोग है ना उस हिसाब से बोल देते कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लाइट आएगा तब धो डालेंगे। अभी लाइट आ करके गाड़ी धो रहे, दोनों धो दिए।
अब यहाँ तक फ्यूचर का बात है, आगे चल के सोचने का बात है। वो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि एक और गाला डालेगा, थोड़ा बड़ा बना देगा, जब है ना दूर से देखेगा कि आदमी ने तरक्की किया तो और गाड़ी आते। जहाँ तक है ना मेरे है ना साथ में काम करने वाले लोग अगर अच्छा करेंगे तो मेरे को भी कोई तकलीफ नहीं, अगर वो किसी बड़ी कंपनी में जाके काम करे। हाँ बस एक है कि उन लोगों ने विश्वास अच्छा बना के रखा हुआ है करके है ना अपने पास कस्टमर ज़्यादा आते हैं। और आज मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं आगे चल के है ना दूसरा गाला भी डाल सकता हूँ। ठीक है, अभी लूटेगा क्या अभी गई। अच्छा चलो जो आपको ठीक लगे चलो इनके लेना चल भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं देना। अरे पक्का Dominic, profession fisherman, role played by Jolish Mehta, location Kolivada, Vasai. Hello, now we are in Vasai. The place is called Kolivada, quite famous for fishing and fishing activities. We are going to meet an entrepreneur named Johnny Panel. He himself is a fisherman by profession. He is going to let us know more and more about fishing and fishing life. Let's talk to him. आपसे कुछ सवाल पूछने का क्या नाम है? आप कितने साल से मच्छी का काम कर रहे हैं? मच्छी का काम हम लोग पूर्वजों से चलते आ रहे हैं जी, काम में। अच्छा, अगर आपके घर में कोई पढ़ना चाहे तब तो काम नहीं करते, मतलब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। कुछ ये नहीं कि हमारे पूरा स्तर से तो हमको भी ये काम करना है, अगर किसी भी चाहे अलग अलग काम करनी तो अलग काम करना है। आप जब मछली पकड़ने जाते हैं तो कौन से टाइप की है ना, मतलब कौन से ये ना मछलियाँ पकड़ते हैं? चार पाँच तरह की मछली होती है, जैसे बोम्बिल है, पापलेट है, कड़दी है, सुरमई है, ये चार पाँच तरह की मछली है। ये बोम्बिल मछली है, ये सुबह बोम्बिल, और ये जो है कड़दी मछली है। अच्छा, आपके इसमें जब है ना जो मछुआरे जाते हैं, हाँ, उनकी उम्र क्या होती है, मतलब कम से कम उम्र क्या होती है मतलब पकड़ने जाने के लिए? इसका कम से कम कुछ ये नहीं है, 18 से 50 तक जा सकते हैं। एक जो 50 के ऊपर रहते हैं ना वो रोज के रोज मच्छी पकड़ते हैं। ऐसा कुछ उम्र ये नहीं है, कोई 18 से ऊपर। ये जो आप बोल रहे ट्रिप बता रहे थे, हाँ, ट्रिप यानी कि कितने कितने दिनों की होती है? ट्रिप मतलब एक दिन की होती है। अभी एक दिन की ट्रिप में 7 किलोमीटर तक जाते हैं, 7 से 10 किलोमीटर, उसको 1.5 घंटे लगते हैं। और दूसरी जो होती है वो बड़ी ट्रिप होती है, उसमें 1 महीने 20 से 25 दिन लगते हैं। इनमें सबसे महंगी मछली कौन सी? सबसे महंगी मछली तो पापलेट ही है, अभी फिर जो 520 रुपये किलो मार्केट ये भाव चल रहा है। अच्छा, जो बड़ी मछली अगर आ जाती है तो आप उनको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कहीं और बेचते हैं? हाँ, बॉम्बे में हम लोग बेचते हैं, और उसमें बीच में जो बोलते हैं ना बीच वाला जो बीच वाला आदमी रहता है उनको बेचते हैं हम लोग। और उसमें आपको कितना फ़ायदा हो जाता है?
20 से 25 दिन और जो बड़ी ट्रिप रहती है वो 20 से 25 दिन की, उसमें मच्छी पकड़ने के वॉल्यूम के ऊपर होती है। अगर मच्छी का शेयर पहले तो शेयर में डिवाइड होता है या फिर लमसम देते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर आप लोगों ने फिर भी कुछ एरिया तो है ना सोच के रखा होगा, कितने एरिया तक आप लोग जा सकते हैं? गुजरात तक हम लोग कहीं जाते हैं मछली पकड़ेंगे। हाँ, गवर्नमेंट ने आपको कुछ है ना, सरकार ने कुछ मदद की है? नहीं, सरकार इसमें कोई मदद नहीं करता, जो है हमको ही करना पड़ता है। सिर्फ एक NCDC करके एक बैंक है, जो अगर हमें नई बोट बनानी है तो उसके 65% हमको देते हैं। परसेंट आपको बेयर करना है, करना पड़ता है, मतलब आपको उठाना पड़ता है। हाँ, और 65% जो देते हैं ना वो वापस हमको उनको देने पड़ते हैं। तो आपको अभी जैसे अब सुनने में आया था मुंबई भी है ना, हमें कहा गया था कि बहुत हाई टाइट चल रही थी, मछुआरों को मुंबई में जाने के लिए मना कर रखा था, और ये भी सुनने में आया था कि वसई के बड़ी जो बोटें गई थी उनमें से 3 वापस नहीं है, तो इनके घर वालों को कुछ मुआवजा मिला? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई मिलता नहीं है। अगर मांगने जाए तो हमको पैसे खिलाने पड़ते हैं, जैसे कोई मांगने जाता है तो कोई जाता नहीं, यहाँ से भी कोई जो है इनको ही करना पड़ता है। ये जो बड़ी बड़ी है ना बोटें, ये कितने तक की आती है? 4 से 10 लाख तक की बोट आती है, मतलब बड़ी वाली आपके पीछे जो बड़ी बोट है वो आराम 50 लाख तक की बोट रहती है। 50 लाख? और जो छोटी बोट होती है वो 2 लाख ऐसे कुछ आती है। अच्छा, जो इनका छोटा मोटा खर्चा हो जाता है वो उनको ध्यान में रखते हुए कितना संभाल के चलना पड़ता है? बड़ी जो बोट रहती है ना इनका खर्चा 4 लाख तक आता है। 4 लाख? और अभी जो मेरी छोटी बोट थी जो पीछे खड़ी है इसका खर्चा 50,000 आएगा। हाँ, वो जो बीच में खड़ी है छोटी बोट है तो उसका खर्चा 50,000 आएगा। आप ज़्यादातर है ना जब मैं मच्छी पकड़ने जाते हैं कभी कभार बहुत ज़्यादा वक्त चला जाता है पकड़ने के समय, मेरे रात को लेट हो जाता है, तो घर में तकलीफ नहीं होती? नहीं, जो एक दिन की ट्रिप होती है वो 1.5 घंटे तक होती है, मतलब 1.5 घंटा लगता है आने जाने के, तो उसमें कोई प्रॉब्लम कुछ ही नहीं होता है। लेकिन जो बड़ी ट्रिप जाते हैं ना तो उसमें तो 20 से 25 दिन लग ही जाते हैं। हाँ, तो उस तरह से ही हम लोग निकलते हैं। अच्छा, ये जो जाले होते हैं मच्छी पकड़ने के लिए जाल होते हैं वो कितने का? अभी जाले जो होते हैं ना, ये जो जाले हैं ये जो पड़े हैं ये हाथ से बनाए जाले हैं, ये आते 25,000 तक बनते हैं जो बने बनाए। हाँ, बने बनाए होते हैं। और जो कंपनी की तरफ से आते हैं ये जो नॉट होते हैं गैप होते हैं वो छोटे होते हैं, वो भी 25-30,000 तक होते हैं। उसमें दोनों में फ़र्क नहीं, सिर्फ हम लोग हाथ से बनाते हैं क्योंकि उसमें मच्छी आसानी से आ जाती है। और दूसरा जो है ये हम लोग ये यूज़ करते हैं, ये मच्छी पकड़ने के हम जाले को लगाते हैं, ऐसी कंपनी की भी आती है ये, तो कंपनी की जो रहती है ना हाथ से बनाए, ये सिंगल धागा है ना जी, इससे बना हुआ है, जिससे कि हमको पकड़ने के लिए आसानी होती है और ये मजबूत होती है। अच्छा, जो कंपनी की आती है वो थोड़ी ढीली होती है, अगर ज़्यादा मच्छी आ जाए ज़्यादा टूटने का डर के लिए जरूरत आती है, टूटने का डर होता है, तो इसमें ऐसे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, फिर आपकी शायद है ना हमें काफ़ी काम आएंगी ये सब बात बताई हुई। हाँ, What do you say, Nirish? Well, I would say about the skills. Here we find, in our colleges, we are given knowledge how to implement ourselves, how to implement our skills, that is initiative, innovative, then try to bring out something new, that is to involve yourself. And here when we met with these entrepreneurs, they were like, even not going to colleges and learning, they were having those qualities.
starting up with a fisherman, that person had the quality of being innovative. They started making their own nets. They had particular knots that could help them to collect the fishes. The other we met, that was a mechanic. He brought himself with the quality of having a proper communication, direct communication with the customer, that he maintained with his customers. The third which we met was farmer. He brought up new idea that being taking up hybrid seeds and helping them. I think they have the knowledge of each and everything without going in the institutions. What they require is something help from our government. And at the end, I would like to call all my colleagues. I would like to request all our viewers to join hands in our efforts to create awareness regarding rural entrepreneurship. Thank you. Thank you. I'll play across the world, across the world.